तो चलिए आज हम लोग देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा के अंदर। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या चीज़ होती है ये हम देखते हैं। आप लोग समझते होंगे एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन यानी कि कोई अपवाद अगर आ जाए। कैसा अपवाद? मान लीजिए आप एटीएम से पैसे निकालने जाएं और एटीएम का मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें आपने पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं कि भाई कोई आएगा, वो पैसे डालेगा, वो पैसे उसमें से निकल जाएंगे, जितना अमाउंट उसने निकाला है वो अमाउंट उसके मेन बैलेंस में से डिडक्ट हो जाएगा और बाद में रिमेनिंग अमाउंट आपका प्रिंट हो जाएगा। अब लेकिन मान लीजिए कंडीशन ऐसी फंस जाए कि या तो उसमें जो एटीएम मशीन्स के अंदर आपकी जो करेंसी है वो ख़त्म हो जाए, या 100 के नोट ख़त्म हो जाए, या 500 का नोट ना हो, कुछ ना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में हमारा कोड एरर जनरेट कर देगा। एरर जनरेट कर देगा यानी कि देखिए, एरर जनरेट करना यानी कि आपका जो कोड है वो पूरा नहीं चला। तो अब ऐसी कोई मैकेनिज्म है कि जिससे कि हम एरर ना आए लेकिन हमारा कोड पूरा चल जाए और बाद में हम जो प्रॉब्लम थी उसको हम प्रिंट कर दें, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है कि भाई प्रोग्राम बनाते समय ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमको रेडी रहना पड़ता है। जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वैसे ही जावा उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देती है और वो ऑब्जेक्ट इस सिचुएशन को डिस्क्राइब कर देता है और उसे हम कर देते हैं थ्रो। जब उसको हम डिस्क्राइब करने के बाद थ्रो करते हैं तो फिर हम उसको कैच कर लेते हैं और उस मैकेनिज़म जो उस ऑब्जेक्ट में रखी इन्फॉर्मेशन से पता कर लेता है कि क्या एरर उसको प्रिंट करना है। लेकिन आपका जो ट्रांजैक्शन है या आपका पूरा प्रोग्राम है वो पूरा चलता है, रुकता नहीं है, लेकिन आपका बाद में एक प्रिंट होती है, मैसेज प्रिंट होता है कि भाई इस कारण से आपका ये जो चीज़ है वो पूरी नहीं हो पाई, यूज़र को पता चलता है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन को हैंडल करना, यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो जावा के अंदर अगर हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं, कैच मैकेनिज्म हम बनाते हैं। तो चलिए आज हम इसको देखेंगे। तो हमारे पास चार ऑप्शन रहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला जो है वो है डिफॉल्ट थ्रो। डिफॉल्ट थ्रो और डिफॉल्ट कैच। दूसरा अपना जो होता है वो होता है डिफॉल्ट थ्रो और अवर कैच। अवर कैच यानी कि डिफॉल्ट थ्रो यानी कि वो डिफॉल्ट जो जावा का कंपाइलर है वो थ्रो करेगा एक्सेप्शन और कैच हम लोग कर लेंगे। पहला वाला ऑप्शन है कि वही थ्रो करेगा और वही कैच करके वही कर देगा जो भी करना है। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा है कि वो थ्रो करेगा, हम लोग उसको कैच कर लेंगे। कैच करना यानी कि कैच एक ब्लॉक बनाते हैं और उसके अंदर हम अपना कोड लिख देते हैं कि भाई ये चीज़ कैच करना, अगर ऐसे कोई एक्सेप्शन आए तो हमको इस तरीके से इसको पकड़ना है। अगला अपना है अवर थ्रो एंड अवर कैच। हम ही एक्सेप्शन थ्रो करवाएंगे उससे और हम ही उसको कैच करेंगे। और अगला अपना है अवर थ्रो एंड डिफॉल्ट कैच। तो ये चार तरीके की चीजें होती हैं और हम लोग इसमें यूज करते हैं ट्राई और कैच ब्लॉक का। ये हमको भी पढ़ना है आज, ट्राई और कैच ब्लॉक। एक दो प्रोग्राम हम देखेंगे इससे बनाकर जिससे हमको और क्लियर होगा कि भाई क्या चीज है। तो चलिए पहले हम बनाते हैं एक प्रोग्राम इसको समझने के लिए और उसके बाद समझते हैं कि क्या हमको करना है। देखिए जो प्रॉब्लम आ सकती है एक्सेप्शन की वो तीन या चार प्रकार से आ सकती है। एक्सेप्शन हम लोग इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप डिवाइड बाय ज़ीरो कर रहे हो या आपके कोई न्यूमेरिक वैल्यू में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, बट इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक यूज़र का इनवैलिड डेटा डालना। अगर यूज़र ने कोई इंटर किया है इनवैलिड डेटा तो भी ये एक्सेप्शन आ सकता है। तो इसको हैंडल करने के लिए एक अलग क्लास है। और दूसरा अपना, मान लीजिए आप फाइल कर रहे हैं, फाइल दैट नीड टू ओपन नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड। अगर आप कोई फाइल ऐसी खोलने की कोशिश कर रहे हैं और वो है नहीं तो उसके लिए भी एक एक्सेप्शन हो सकता है। कि मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम के अंदर आपने बोल रखा है कि ये फाइल आपको ओपन करना है, अब यूज़र ने वो प्रोग्राम चलाया
मान लीजिए आपने एक एक्सेप्शन के लिए कोई कोड उसमें नहीं लिखा है, अब आपने वो प्रोग्राम चलाया और प्रोग्राम चलने पे वो फाइल उसको नहीं मिली, तो अब आपके प्रोग्राम को पता नहीं है कि इसके आगे अब मैं क्या करूं, वो आपका प्रोग्राम वहीं एरर जनरेट कर देगा और प्रोग्राम पूरा नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रोग्राम पूरा चले और यूज़र को पता चले कि भाई ये एरर आई वो किस कारण से आई, जैसे कि आप एटीएम में जाते हैं तो बाद में एक स्लिप निकलती है, अगर पैसा ना हो तो वो बताता तो है कि भाई पैसा नहीं है। मान लीजिए वो स्लिप ही ना निकली, अगर उसमें एक्सेप्शन नहीं हैंडल किया गया होता और आपने पैसे निकाले और पैसे नहीं होते एटीएम में, तो आपका ना तो एटीएम बाहर आ पाता, वो कंडीशन वहीं लॉक हो जाती है और फिर कंप्यूटर वहीं बंद क्या वहाँ का आपका प्रोग्राम वहीं पॉज हो जाता और एरर जनरेट कर देता, वो ट्रांजेक्शन या पूरा जो एक साइकिल है वो पूरा नहीं होता, वहाँ पर एक्सेप्शन हैंडल करवाया गया था कि भाई अगर पैसे ख़त्म हो जाए तो एक एरर मैसेज जनरेट करना है यूज़र के लिए कि भाई ये देखो ये पैसे ख़त्म हो गए इसलिए नहीं हुआ, लेकिन ये ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट हो गया है, तो वहाँ एक्सेप्शन हैंडलिंग की गई थी, नहीं की गई होती तो वो आपका पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट ही नहीं हो पाता। तो ऐसे ही यूज़र अगर मान लीजिए गलत डेटा डाल दे, आप ऐसी कोई फाइल खोल लें जो है ही नहीं, या नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट हो जाए उस केस में क्या होगा, मान लीजिए आप कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो उसमें आपको नेटवर्क कनेक्शन की आवश्यकता है, लेकिन अगर चलते चलते वो नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट हो गया, फिर उस केस में क्या करेंगे, आपका जो प्रोग्राम है वो बैठा रह जाएगा कि भाई अब मुझे पता ही नहीं करना क्या है। तो ऐसी स्थिति में भी हम वो उस कोड को ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रखेंगे। देखिए ये जितने भी ऐसी एक्सेप्शन आएंगी उनको हम ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर रखते हैं, हम ट्राई और कैच ब्लॉक का एक बनाते हैं प्रोग्राम और जिससे आपको और डिटेल से समझ में आएगा। तो यहाँ मैंने एक क्लास बना लिया exex1 और यहाँ बनाने वाला हूँ मैं एक प्रोग्राम। चलिए तो मैं बनाता हूँ फटाफट एक क्लास, क्लास का नाम मैंने रख दिया है exex1.java और चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सीधा मैं मेन फंक्शन बनाता हूँ, मेन फंक्शन मैंने बना दिया है और मेन फंक्शन में स्ट्रिंग आरजीएस ले लिया है मैंने और यहाँ मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ देखने वाली है वो है ट्राई। ट्राई के अंदर वो चीज़ हम लिखते हैं जिसमें हमको लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, जिस ब्लॉक में आपके एक्सेप्शन आ सकता है उसे हम ट्राई के अंदर लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई कोड लिख रहे हो एटीएम का ट्रांजेक्शन का, तो हम पूरा उसको ट्राई के अंदर लिखेंगे। अधिकतर प्रोग्रामर्स ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करते ही हैं, जब मान लीजिए आप डेटाबेस का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं कुछ भी बना रहे हैं तो हम पूरा उसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ही लिखते हैं कि मान लीजिए कोई अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो कैच कर लेगा लेकिन आपका प्रोग्राम तो पूरा चलेगा, बाद में वो आउटपुट ना आए कुछ ना आए कुछ भी नहीं आएगा लेकिन आपका प्रोग्राम पूरा चलेगा और हमें पता चलेगा कि भाई ये इस कारण से ये चीज़ इसमें प्रॉब्लम आई। चलिए क्योंकि जब आप यूज़र को पूरा जब आप कोड बना के दोगे तो आप उसको उसकी exe फाइल दोगे या रन टाइम रनिंग फाइल दोगे, जार फाइल दोगे, वो यूज़र कोड में कोई चेंज कर नहीं सकता। क्या होता है जब आप कोड में प्रोग्राम चलाते हो आपके पास कोड होता है, आप उसको रन करते हो तो आपको पता चल जाता है कि भाई इस लाइन में एरर आ रही है, उसके पास कोड नहीं होता, उसके पास उसकी आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल टाइप की कोई चीज़ होती है या जार फाइल होगी अगर आप जावा में बना रहे हैं तो वो उसको तो कोड देखने को मिलेगा भी नहीं और वो वहीं पर कैश हो जाएगी, जैसे ही क्रैश होगी उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि भाई ये क्रैश क्यों हुआ। लेकिन अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रखी है और सब चीज़ें ट्राई कैश ब्लॉक के अंदर लिखी है तो उसको पता तो रहेगा कि भाई ये नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट हो गया या फाइल नहीं मिली या और कोई कारण था या आपने कुछ ऐसे वैल्यू डाल दी जिससे कि आपका जो प्रोग्राम है वो सही से उसने चलाया नहीं। तो यहाँ हम लिखेंगे ट्राई के अंदर, ट्राई के अंदर मैं एक चलिए कोड लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट, देखिए यहाँ मैं एक आउटपुट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उसको मैं 3 को डिवाइड कर रहा हूँ 0 से, जब 3 को डिवाइड करूँगा 0 से तो एक ऐसी वैल्यू आएगी जो कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा, यानी कि एक इनवैलिड वैल्यू आएगी। डिवाइड बाय 0 आप लोग समझते होंगे, और यहाँ मैं एक और प्रिंट कर देता हूँ मैसेज एक्सेप्शन इज हेयर। चलिए अब मैं इसे ट्राई ब्लॉक को करूँगा बंद, सॉरी ये यहाँ पर इधर इसको बंद कर दिया गया हमने। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कैच,
कैच मैकेनिज्म है, ये कैच करेगा, ये हमने एक्सेप्शन यहाँ से जैसे ही थ्रो होगा, इससे एक्सेप्शन थ्रो होगा ट्राई से, और हम यहाँ कैच करेंगे। कैच करके हमको क्या लिखना है, देखिए कैच करके हम लोग लिखेंगे, कैच के अंदर हम लोग एक ये क्लास जो है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, देखिए ये जो एक्सेप्शन है वो अरिथमेटिक टाइप का है, तो हम यहाँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन करेंगे। उसके बाद इसका एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे ई, जो भी नाम आपको रखना हो, अपन लोगों ने ई ले लिया। ये अब इसके अंदर वो मैसेज प्रिंट कराऊंगा मैं जो हमको कैच कराना है, या वो कोड हम इसके अंदर लिखेंगे जो हमको कैच कराने के बाद चलाना है। मान लीजिए आपने यहाँ कोड लिखा है पूरा एक बैंक के एटीएम का पूरा कोड लिखा है जिसमें सब कुछ चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अगर इसमें कोई समस्या आती है तो ये कोड तो चलेगा ही। और ध्यान दीजिए, आप एक कैच नहीं, आप बहुत सारे कैच यूज़ कर सकते हैं, तो ये वाला कोड तो चलेगा और ये बताएगा आपको कि भाई पैसे ख़त्म हो गए या जो भी हुआ या जो भी हुआ। तो यहाँ जो एक्सेप्शन का टाइप है उसी की क्लास आपको यूज़ करना है। तो यहाँ जो एक्सेप्शन है वो हमारा अरिथमेटिक टाइप का, यानी कि आप एक गलत नंबर डाल रहे हो, तीन को जीरो से डिवाइड कर रहे हो, ई उसका ऑब्जेक्ट है। चलिए, तो इस कैच के अंदर मैं एक कोड लिखने वाला हूँ, कोड है सिस्टम और यहाँ मैं लिख देता हूँ invalid value given please retry, और इसके साथ ये एक तो मैसेज हो गया, और इसके साथ मैं e यानी कि जो अपना ये एक्सेप्शन का जो ऑब्जेक्ट था वो डॉट एक मैसेज प्रिंट करा लेता हूँ, गेट मैसेज। ये जो है ये हमारे पास एक ऑलरेडी एक फंक्शन है, ये मैसेज प्रिंट कर देगा, ये मैसेज इसको ले लेगा कि भाई ये मैसेज आया, वो वाला मैसेज और प्लस अपना मैसेज दोनों को ऐड कर देगा, ये जोड़ के प्रिंट कर देगा। तो यहाँ मैंने इसको कर दिया है बंद, अभी सब कुछ यहाँ तक है सही है। एक बार मैं ब्रैकेट देख लेता हूँ और उसके बाद इसको पहले मैं करता हूँ सेव, और मैं इसको चला के देखता हूँ। तो ये प्रोग्राम तो हमारा पूरा बन चुका है, आप चाहें तो यहाँ और कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं। यहाँ मैं चलिए यहाँ मैं वो सोच रहा हूँ कि भाई अगर ये कोड चल जाता तो ये प्रिंट हो जाता, तो मैंने लिख दिया डिवीज़न इज कम्प्लीट, थोड़ा अच्छा लगेगा, बाकी आप लिखना चाहें ना चाहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर ये वाला कोड चलेगा तो ये दोनों चीज़ें तो प्रिंट हो ही जाएंगी, अगर ये इसमें कोई एक्सेप्शन आया, अगर यूज़र ने कुछ उल्टा सीधा इसमें दे दिया है या ऐसी चीज़ दे दी है जो हमने डिफाइन नहीं की, तो ये वाला ब्लॉक तो चलेगा, ये जो एक्सेप्शन होगा उसको हैंडल ये करेगा और एरर मैसेज जनरेट करेगा, लेकिन आपका पूरा प्रोग्राम चलेगा। तो चलिए मैं इसको करता हूँ सेव और इसको हम लोग करते हैं रन, देखते हैं क्या होता है। इसको करता हूँ मैं, ये देखिए मैसेज आया है इनवैलिड वैल्यू गिवन प्लीज रीट्राई, और ये देखिए ये जो है गेट मैसेज, ये जो इसने अरिथमेटिक एक्सेप्शन का जो ऑब्जेक्ट था ये इसने जनरेट किया एक मैसेज, और वो किस कारण से आया है, वो इस कारण से आया है देखिए डिवाइड बाय ज़ीरो, यानी कि आप एक ऐसी चीज़ कर रहे हो जो पॉसिबल नहीं है, तो इसने ये मैसेज जनरेट किया। देखिए ये मैसेज JVM, ये गेट मैसेज, ये जो है ये यहाँ से आया है, और बाकी चीज़ें तो हमने लिखी हुई थी। अच्छा चलिए, अगर मैं मान लीजिए इसकी 3 को डिवाइड कर देता, यहाँ मैं लिख देता 30 डिवाइडेड बाय 10 तो क्या होता। चलिए इसे करता हूँ मैं सेव और फिर रन करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये लिखा आया है 3 और ये नीचे लिखा आया है डिवीज़न इज कम्प्लीट, यानी कि ये जो हमारा ट्राई ब्लॉक है ये काम कर गया, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज़ थी वो ऐसी थी कि जो पॉसिबल है 30 को आप 10 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये आउटपुट भी आया और ये भी आया। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी होती, देखिए यहाँ मैं अगर 0 कर दूंगा तो देखिए ये अब ऐसी प्रॉब्लम है कि जो एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है, तो हमने ये अपना ही एक्सेप्शन थ्रो कराया है, उसको फिर कैच भी किया है। चलिए तो उसको मैं रन करता हूँ और ये देखिए ये लिखा आया है इनवैलिड वैल्यू इज़ गिवन प्लीज़ रीट्राई, और ये डिवाइड बाय ज़ीरो किस कारण से आई है एक्सेप्शन वो भी आया है इसके अंदर। तो ये था हमारा ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज़ अरिथमेटिक एक्सेप्शन के लिए। देखिए मैंने आपको बताया कितने तरीकों से आप लोग यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ हमने सिर्फ पहला वाला दिखाया है अभी, यूज़र एंटर इनवैलिड डेटा, यानी कि एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन हम लोगों ने देखा है। और भी कई टाइप के एक्सेप्शन होते हैं, वो भी मैं आपको भी बताता हूँ।
ये प्रोग्राम आप जरूर देखिए। देखिए कोई भी जो प्रोग्रामर होता है वो हर चीज़ को ट्राई कैच ब्लॉक में जरूर लिखता है। अगर आप सी शार्प के कोड देखेंगे या किसी भी चीज़ का कोड देखेंगे जो जावा से मिलती जुलती लैंग्वेजेस है, उसमें आपको ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ बहुत ज़्यादा मिलेगा। हर चीज़ को एक्सेप्शन के अंदर लिखा जाता है। एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी होती है कि वो हर चीज़ को एक्सेप्शन मान के चलता है कि मान लीजिए यूज़र ने कुछ ऐसा कर दिया जो हमने डिफाइन किया ही नहीं है, तो कम से कम ये आपका प्रोग्राम चल तो जाएगा। इसलिए इस प्रोग्राम में हम एक चीज़ और देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक जो प्रोग्राम बनाया हुआ है, मैं पूरा बना के तो नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ये बना बनाया मेरे पास एक प्रोग्राम है। और यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हमने यूज़ किया है मल्टीपल कैच। अभी हम लोगों ने, मैंने आपको पहले बताया था कि आप कैच बहुत से टाइम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कई प्रकार से आपका जो एक्सेप्शन आ सकता है उस, तो हम लोग अलग अलग टाइप का कैच यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रोग्राम को देखिए, यहाँ हमने ट्राई किया, एक एरे बनाया है जिसकी साइज है 5 और यहाँ देखिए हम लोग आउटपुट करा रहे हैं 10। ये देखिए ये यहाँ पर 10 ले रहे हैं। तो अब ऐसी पोजीशन में हमारे पास एक कैच आएगा। और भी कंडीशन कहीं भी हो सकती है, एक कंडीशन हो सकती है, चलिए मुझे लगता है कि एक कंडीशन ये हो सकती है कि यूज़र कुछ गलत डेटा डाल दे, तो हमने यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन यूज़ कर लिया है। अगर ऐसी स्थिति निर्मित होगी तो हमारे पास ये जो एक्सेप्शन होगा वो ये इसको कैच कर लेगा और आउटपुट आएगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन ऑकर्स। ये दूसरा कैच हमने बनाया है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, यानी कि अगर एरे जो हमने बनाया है छोटा वैल्यू जा रही है ज़्यादा बड़ी, तो ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन हुई तो ये वाला कैच यूज हो जाएगा। उसके बाद एक कॉमन एक्सेप्शन बनाया है हमने कि पेरेंट एक्सेप्शन ऑकर्ड, यानी कि एक इसकी और ऊपर की कोई कंडीशन होगी तो ये आ जाएगा और बाकी ये कोड आपका चलेगा ही चलेगा, रेस्ट ऑफ द कोड। तो यहाँ हम देखिए, आप बताइए कौन सा एक्सेप्शन इसमें आ सकता है। स्क्रीन को पॉज करें और बताएं कौन सा एक्सेप्शन इसके अंदर आ सकता है। जी हाँ, इसके अंदर जो एक्सेप्शन आएगा वो आएगा ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये देखिए, ये मल्टीपल कैच था। चलिए मैं इसे रन करके देखता हूँ। ये देखिए, ये एरर जो इसमें आई है, ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ऑकर्स, और ये रेस्ट ऑफ द कोड जो हमने लास्ट में नीचे लिखा था वो आया है। तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ये चीज़ आ गई है। ये हम लोगों ने मैसेज प्रिंट किया था, क्योंकि हम लोगों ने ये अभी दूसरा वाला कैच हमारा चला है, क्योंकि इसका जो एरे इंडेक्स है आउट ऑफ बाउंड हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू ज़्यादा हम लोग डाल रहे हैं और एरे हमारा छोटा है। तो ये देखिए, मल्टीपल कैच आप लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ट्राई और कैच ब्लॉक के साथ आपको एक चीज़ और सीखने को मिलती है, वो होता है फाइनली कीवर्ड। ये फाइनली कीवर्ड क्या करता है? देखिए, ट्राई के साथ आप मल्टीपल कैच तो लगा ही सकते हैं, जी हाँ, लेकिन अगर आप एक फाइनली ब्लॉक बना लें और उसके अंदर कोई चीज़ लिख दें तो वो क्या होगी? देखिए, फाइनली अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने जितने कैच लगाए हैं उसमें इसके बाद भी अगर कुछ ऐसी कंडीशन फंस जाएगी या इसके बाहर निकल जाएगा, तो हम एक कोड लिखते हैं फाइनली। फाइनली के अंदर, यानी कि ये जो कोड होगा वो हर हाल में चलने की गारंटी देगा। यानी कि अगर आपका कुछ भी नहीं चला, आपने ट्राई के अंदर डाला, उसमें एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, आपने कैच लगाए, उसके भी बाहर अगर वो चला गया तो कुछ भी नहीं चलेगा, लेकिन हमारा फाइनली के अंदर जो ब्लॉक है वो तो चलेगा ही चलेगा। तो हम ये फाइनली ब्लॉक यूज़ करते हैं। एक बार फाइनली का एग्जाम्पल मैं आपको और दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप इस फ्लो चार्ट को देखें तो हमारे पास यहाँ पर है एक प्रोग्राम का कोड। देखिए, ये हमारा प्रोग्राम का कोड है। अगर एक्सेप्शन आया, अगर चलिए एक्सेप्शन आया तो ये इधर जाएगा, और एक्सेप्शन अगर हमने हैंडल कर लिया है, यानी कि आपने ट्राई किया उसके बाद कैच ब्लॉक लगाया, उसने एक्सेप्शन हैंडल कर लिया, तो आपका ठीक है, ये भी एक्सक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा फाइनली। नहीं किया है तो भी होगा, एक्सेप्शन अगर ना भी आया तो भी होगा। तो ऐसा कोड जो आप चलाना चाहते ही हैं वो आप फाइनली ब्लॉक के अंदर
लिख सकते हैं कि भाई कुछ चले ना चले ये तो चलेगा ही, इसकी तो गारंटी है चलने की। चलिए इस कोड को हम देखते हैं एक बार। ये क्लास मैंने बनाई है, यहाँ देखिए ये हमने ट्राई ब्लॉक जो डाला है इसमें हम वही सेम चीज़ डिवाइड कर रहे हैं 25 को ज़ीरो से, और जो आउटपुट है वो हमको चाहिए डेटा नाम के एक इसमें, जो हम इसको हाँ डेटा में चाहिए और हम यहाँ डेटा को प्रिंट करा रहे हैं। चलिए अब यहाँ आता है एक कैच, हम इसको कर लेते हैं इस कंडीशन को कैच अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई में, और यहाँ हम प्रिंट करा देते हैं ई। तो ई क्या प्रिंट करेगा, ये वही प्रिंट कर देगा एरर मैसेज और लिख देगा डिवाइड बाय ज़ीरो, यानी कि इस कारण से आपका प्रोग्राम चलने में प्रॉब्लम जो है वो नहीं चल पाया। लेकिन अब यहाँ मैंने एक ब्लॉक और बनाया है फाइनली, और फाइनली के अंदर मैंने कुछ चीज़ें लिख दी हैं, फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूटेड और रेस्ट ऑफ द कोड, ये चीज़ लिखी है ये फाइनली ब्लॉक। तो देखिए ये यहाँ पर एक्सेप्शन आया, हैंडल भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी ये कोड चलेगा आपका। चलिए देखते हैं, ये देखिए ये लिखा आ रहा है, देखो एक्सेप्शन भी आया, एक्सेप्शन हैंडल हुआ, मैसेज भी आया, उसके बाद भी ये कोड चला। अगर आपका एक्सेप्शन हैंडल ना भी हुआ होता तो भी ये कोड चलता, एक्सेप्शन ना भी आया होता तो भी ये कोड चलता। चलिए अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, अब देखते हैं, मैं इसको करता हूँ सेव और चला के देखते हैं। देखिए अब इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर मैंने ये किया 25 को 5 से डिवाइड, डेटा की वैल्यू हो गई 5, एक्सेप्शन नहीं आया यानी कि ये तो नहीं चला कैच ब्लॉक, लेकिन ये फिर भी चल गया। तो फाइनली के अंदर हम वो चीज़ लिखते हैं जो हमें चलाना ही है कैसे भी करके। तो ये जो था हमारा वीडियो, ये था ट्राई कैच ब्लॉक और एक्सेप्शन हैंडलिंग के ऊपर। और भी कई वीडियोस जब भी आप प्रोग्राम बनाएं तो याद रखें ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज़ ज़रूर करें। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी जावा की प्लेलिस्ट ज़रूर आप एक बार चेक करें, और भी सी शार्प की, PHP की, और भी नए नए वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं हिंदी के अंदर, हिंदी भाषा में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल को करिए सब्सक्राइब, दबाइए बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।